रुद्रप्रयाग जिले में गोरीकुंड केदारनाथ ट्रैकिंग मार्ग पर एक भूस्खलन हो गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह लगभग 7:30 बजे चिरबासा क्षेत्र के पास हुई थी। इस भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने लगे थे जब श्रद्धालु गोरीकुंड से केदारनाथ धाम जा रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर लिखा कि राहत और बचाव कार्य जारी है और वह अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने घायल लोगों को तुरंत बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। जैसे ही घटना की सूचना मिली, राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। अब तक 3 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और एक व्यक्ति को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तराखंड में अत्यंत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उनके अनुसार 21 से 22 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। अब मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देता हूं, जैसे भूस्खलन का कारण क्या था। भूस्खलन का मुख्य कारण भारी बारिश बताया जा रहा है, जिसने मिट्टी को ढीला कर दिया और पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने लगे। हाँ, यह क्षेत्र पहले भी भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है, खासकर मानसून के दौरान। भूस्खलन के समय लगभग 20 लोग वहां मौजूद थे, जिनमें से 17 लोग लापता हैं और 3 की मृत्यु हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान चला रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पहले से ही उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन विशेष रूप से भूस्खलन की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। घटनास्थल से घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में अभी और जानकारी प्राप्त की जा रही है। हाँ, सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो सके। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का वादा किया है, जिसमें विशेष निगरानी और अलर्ट सिस्टम शामिल है। सरकार ने मुआवजे और सहायता का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने का निर्देश दिया है। भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए ट्रैकिंग के दौरान उचित तैयारी, मार्गदर्शन और सुरक्षा उपकरण की सलाह दी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।